असी कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर साडा 8th एक्सरसाइज 8.4। सो जिस दा क्वेश्चन 4th दा साडे को पार्ट है 3rd। सो ये साडे को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। सो जिस दे असी ऑप्शंस नहीं लिखे हैं तुसी अपनी टेक्स्ट बुक तो देख लेना है। सो सब तो पहला असी जे तुसी पहली क्लास लगाई होवे 4th क्वेश्चन दी ही तो उससे असी क्या सी कि जे साडे को साइन कॉस तो अलावा कोई भी रेशो होर आ जाती है कोई भी ट्रिगोनोमेट्री अनुपात आता है तो उसनों असी साइन कॉस च पहला बदल लेना है। सो देखो साडे को की है सीकेंट हुण सीकेंट नूं देखो साडे को इसकी रेशो की होंदी है 1/cos θ। सो सीकेंट नूं चेंज करो 1/cos A फिर आ गया प्लस टैन है साडे को तो साडे को आ गया sin A/cos A आ गया। सो ब्रैकेट 1 - sin A। सो ए की होंदा है साडे को LCM की आ गया साडे को cos A। सो सेम ने ना साडे को हर जिहड़े ने या डिनोमिनेटर ने साडे को तो इसलिए साडे को उपर आ गया 1 + sin A। सो नाल देखो साडे को इधर की पिया है 1 - sin A। हुण ए साडे को की होया a + b a - b। सो मल्टीप्लाई होणगे a² - b² बनाणगे। सो ए देखो साडे कोल ए फैक्टर a + b है a - b है। सो ये दोवें आपस च मल्टीप्लाई होणगे। ये याद भी रखना है कि दो कोई फैक्टर नाल पिया है ना साडे को देखो कोई भी साइन नहीं है इहदा मतलब दोवें आपस च गुणा होणगे जां मल्टीप्लाई होणगे तो इस फैक्टर जोड़े उपर तो उपर दोवें ने आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे गुणा हो जाएंगे। सो ये देखो एक प्लस में है दूसरा माइनस में है ठीक है टर्म साडे को सेम ने पर साइन का फर्क है साडे को क्या जाएगा a² - b² सो 1² - sin A sin² a / आ गया cos A। हुण थोड़ा जिहा असी इस साइड पर चलते हाँ सब तो पहला 1² देख लो 1 - a आ गया sin² a / cos A। हुण देखो ए असी लिखिया cos²θ = 1 - sin²θ। सो थीटा की जगह पर ए कर दो तो साडे को बन गया 1 - sin²a। सो ये कि = आ जाएगा साडे को cos²a दे तो ओवर आ जाएगा साडे को cos A। सो cos A साडे को 1² दे नाल साडे को जिहड़ा कैंसल जाता है कटिया जाता है तो साडे को बच गया नीचे तो कुछ नहीं ना रहा कैंसल हो गया नीचे तो साडे को = आ गया cos A। सो यही साडा जिहड़ा होएगा आंसर होएगा। सो ये साडे को ऑप्शन आती है साडे को डी ऑप्शन। सो इस दी साडे को राइट ऑप्शन है वो आती है डी। इस तो बाद साडे को क्वेश्चन आता है 4th दा ही पार्ट 4th। सो साडे को है 1 + tan² a / 1 + cot² a। सो इसका सोल्यूशन वेखो चेंज करते हैं टैन की रेशो की है अपने को sin² a / cos² a। सो नीचे फिर साडे को इस तरह आ गया cot दी आ गई cos² a / sin² a। सो स्केयर क्यों आया नाल क्योंकि टैन ते cot दा स्केयर दिता गया सी। फिर देखो LCM लेंदे आ सी ए आ गया साडे को cos² a cos मल्टीप्लाई होया इस साइड ते साडे को आ गया cos² a + sin² a / आ गया साडे को sin मल्टीप्लाई कीता इस साइड ते sin² a + cos² a / sin² a। हुण देखो sin²θ + cos²θ = 1। सो ए आ गया तो भी साढ़े को कि आ जाएगा 1 = सो ए आ गया साढ़े को 1 - cos² a / 1 - sin² a। सो इतने लिखांगे भी असी नाल कि sin²a + cos² a = 1। हुण इस तो बाद साढ़े को देखो आ जाता है n₁/d₁ फिर साढ़े को आ गया n₂/d₂ मतलब कि 2 बारी ओवर का साइन आ गया 2 बारी वटा आ गया तो साढ़े को हो जाएगा n₁/d₁ × d₂/n₂। सो n₁/d₂ मल्टीप्लाई हो जाता है d₁/n₂ मल्टीप्लाई हो जाता है तो साढ़े को आता है 1/cos A मल्टीप्लाई देखो sin² नीचे वाली चीज़ उपर चल जाएगी ठीक है इस तरह भी समझ सकते हाँ ये देखो sin² उपर चला गया ए वाला 1 जो साढ़े को ए वाला 1 सीगा ये साढ़े को cos दे नाल लग जाएगा इतने 1 मल्टीप्लाई हो गया। सो ये आ गया साढ़े को sin²a / cos²a। सो sin/cos 10 सो स्केयर है तो साढ़े को आ गया tan²a। सो ये हो गया साडा आंसर। सो कि ऑप्शन आती है साढ़े को ऑप्शन डी। सो इसका साढ़े को राइट आंसर है ऑप्शन डी। सो इसी साडा क्वेश्चन 4th का पार्ट 3rd और पार्ट 4th। सो जिस साडा क्वेश्चन 4th जो उसके 4 ही पार्ट्स जोड़े वो कंप्लीट होंगे हैं। सो उम्मीद करता कि तुम्हें जो क्वेश्चन है क्लीयर हो गया होगा। सो अगर वधिया लगे तो लाइक जरूर करना है दूजे बच्चों तक शेयर करो चैनल सबसक्राइब कर लो तो नवी नवी वीडियोज़ के लिंक जोड़े ने प्राप्त होंगे रहन। थैंक यू।